वेलकम स्टूडेंट्स टू कुंडू क्लासेस। आज हम प्लस टू अकाउंट्स का जो लेसन है जिसका नाम है अकाउंट्स फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, उसका सेकंड वीडियो आपको भेज रहे हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि हम इसके प्रैक्टिकल में डील करेंगे, तो मैं बताने जा रहा हूँ पार्टनर्स कौन कौन से अकाउंट्स तैयार करते हैं। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, पहला अकाउंट वो जो तैयार करते हैं उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका मतलब ये होता है कि लाभ और हानि बांटने वाला अकाउंट। इसमें लाभ और हानि का बंटवारा किया जाता है। इसके डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस लिखे जाते हैं यानी खर्चे लिखे जाते हैं, और क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स लिखी जाती हैं यानी आय लिखी जाती हैं। तो इसमें परफॉर्मा क्या होगा, पर्टिकुलर अमाउंट। तो फर्स्ट आइटम इसकी जो है टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सबसे पहले यानी पार्टनर्स को जो फर्म ब्याज देगी। अब ये खर्चा कैसे है, पार्टनर्स जो भी पैसा फर्म के अंदर लगाते हैं नेचुरल है वो उस पर ब्याज चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा फर्म में लगा रखा है। जैसे मान लो ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ए ने जो पैसा लगाया उस पर जितना इंटरेस्ट बनता है, बी ने जो पैसा लगाया यानी कैपिटल लगाई है उस पर जो इंटरेस्ट बनता है, दोनों का टोटल करके हम अमाउंट वाले खाने में लिख देते हैं। नंबर सेकंड, टू पार्टनर सैलरीज। जैसे मैंने बताया था पार्टनर डीड में जो लिखा होता है कि इस पार्टनर को, ए को, बी को, सी को, जितने पार्टनर्स हैं किसी को भी सैलरी देनी हो तो उसको सैलरी देके यहाँ टोटल में यानी अमाउंट लिखा जाता है। नेक्स्ट, टू कमीशन टू पार्टनर्स। कमीशन टू पार्टनर्स का मीनिंग ये है, अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क करता है तो फर्म उसे कमीशन देती है, तो फर्म के लिए खर्च है, इसको भी अमाउंट वाले खाने में लिखा जाता है। नेक्स्ट, टू रिजर्व। रिजर्व का मीनिंग ये है, अगर प्रॉफिट्स में से फर्म कुछ पैसा निकाल के रखती है, रिजर्व बना लेती है, तो रिजर्व को खर्चा मान लेती है और उसे भी इधर डेबिट में लिख के अमाउंट वाले खाने में लिखा जाता है। तो ये सभी ए बी सी डी, ये चारों बातें जो हैं ये हमारे खर्चे होते हैं। अब हम क्रेडिट साइड पे आते हैं। क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स लिखी होती हैं। पहली इनकम जो होती है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इनकम इसलिए है क्योंकि ये फर्म द्वारा कमाया गया लाभ होता है। ये जो लाभ है ये पार्टनर्स जब बिजनेस मिलकर चलाते हैं वही लाभ होता है। अगर आपको मैं बताऊं कि ये आता कहाँ से है, आपने प्लस वन में फाइनल अकाउंट किया होगा जिसके अंदर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे फाइनल अकाउंट के अंदर उसी का प्रॉफिट यहाँ हम लेकर आते हैं। नेक्स्ट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पार्टनर्स जो भी ड्रॉइंग्स करते हैं फर्म से पैसा निकालते हैं तो फर्म उस पर ब्याज लेती है, तो फर्म के लिए ये इनकम होती है। अब हम डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, और क्रेडिट साइड के जो टोटल है उस टोटल में से डेबिट साइड के जो अगर खर्चे अगर हमारे कम हैं, क्रेडिट से खर्चे डेबिट के कम हैं यानी क्रेडिट का इनकम साइड ज़्यादा है और डेबिट के खर्चे अगर कम हैं, तो हमारा जो बैलेंस है वो टू प्रॉफिट निकलेगा, जो हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में। अगर हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम्स कम हैं, तो हम बाय लॉस निकालेंगे और इसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जैसा भी हो वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है उसमें हम आपको ये बताएंगे कि जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल है, सैलरी है, कमीशंस है या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वगैरह है, इसको निकालने के रूल्स क्या हैं। अभी तो आप इस परफॉर्मे को याद कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे इनको, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं।